बहुत आसान है सोशल मीडिया पे आके किसी को भी गालियां देना। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, ना मैं बोलूंगा। आई एम आस्किंग जो एक एथलीट को मांगना चाहिए उनका हक विद डिग्निटी। आपको भी पता है एनपीसी में क्या हो रहा है। मेरे लिए बहुत आसान है, जितने भी आपके एक्स एनपीसी ऑफिशियल्स हैं ना, देव ऑल बीन इन टच विद मी, दे ऑल रेडी टू टॉक कि भाई मैं बताता हूँ आपको क्या होता है एनपीसी में, द रियल फैक्ट, द रियल ट्रूथ। आप चाहते हो मैं वो कर लूंगा। एक एक आदमी आके बोलेगा एनपीसी की सच्चाई, वो हो सकता है, बट इट्स ओनली गोइंग टू गेट डर्टी। आई डोंट वॉन्ट टू गेट प्ले दिस गेम डर्टी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, आप जो भी एनपीसी में आप एथलीट से पैसा कमा रहे हो, एथलीट को थोड़ा तो वापस दो। बॉडी बिल्डर को जीरो प्राइज मनी आपने रखा हुआ है, थोड़ा तो उनका बनता है, नहीं बनता? दैट इज ऑल आई एम आस्किंग। इतना मुश्किल है क्या? पैसों के लिए भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता था ये हेमंत। कौन? हेमंत भाजी? हाँ, बहुत बदतमीजी करते थे पैसों के लिए। इनफैक्ट मेंशिप स्टेज पे चल रही है और ये बंदा मुझे पंजाब से फोन करके बोलता कितनी एंट्री फीस आई, पैसे का क्या हिसाब है। और मैंने उन्हें बोला पाजी चैंपियनशिप तो खत्म होने दो। आपको पता है तरुण भाई, कॉम्पिटिशन के टाइम पे ऑर्गेनाइजर की फटी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो ये भी देखा है कि मुझे बता रहे थे एडविन भाई कि 50% ये लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी का भी, 25 से 30% ले लेते हैं स्पॉन्सरशिप का भी, सब कुछ स्टेट पे बिल्कुल डाल देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सब कुछ स्टेट पे डाल देते हैं कि भाई हमारा खाना पीना रहना सब आपने करना है, और पैसे लेके निकल जाते हैं। सच है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें सच है तरुण भाई। मेरी तो हेमंत के साथ बकायदा फाइट भी चली थी उसमें, इंस्टाग्राम में मैंने सारी की सारी चीजें लिखी थी कि ये सब करता है बंदा, के लिए बहुत ज्यादा जिसको हैरेसमेंट बोलते हैं, मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा करता है। मुझे ना हेमंत पाजी से प्रॉब्लम है, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसे कमाए कमाए, सही लेकिन बात है, पैसा हर कोई कमाए, लेकिन पॉलिसी तो वो होनी चाहिए ना, ठीक होनी चाहिए, एथलीट का भला होना चाहिए। कुछ तो मिले यार। आप 50-60 लाख रुपए बैठे बिठाए कमा रहे हो, उसमें से यार 30% 40% आप एथलीट के प्राइज मनी दे दो। थोड़ा स्टेट के बारे में सोच लो कि वो भी तो मेहनत तरुण भाई करके जब ला तक रहे तो, हाँ वही बिल्कुल सही कह रहे, वही ना, क्योंकि हमारे पास बकायदा प्रूफ है, फोन पे पे गूगल पे सारा प्रूफ है मेरे पास, जो मैंने हमने हम सब ने जो पैसा दिया है इनको, इंडियन फिजिकल अलायंस को, था कि इनका जो 50% बैठा था वो बैठा था 1,52,000 रुपए, और जो अकाउंट की लिमिट होती है वो 1,00,000 रुपए होती है एक दिन की, हर किसी की अलग अलग। मेरी 1,00,000 रुपए थी तो मैंने 1,00,000 रुपए दे दिए। भाई साहब हेमंत मेरे ऊपर ऐसा चढ़ा जैसे मान लो मैंने उसकी जमीन जायदाद पता नहीं किस चीज पे कब्जा कर लिया होगा। कह रहा 52,000 रुपए, आई वॉन्ट माई फकिंग मनी। मैंने कहा भैया मेरी 1,00,000 की लिमिट है, 1,00,000 दे दिया, 52,000 रुपए कल डाल दूंगा भाई। सो अभी कई लोग ना, कई हमारे बेचारे भोले भाले बॉडी बिल्डर्स कॉम्पिटिशन खेलने जाएंगे IHFF शेरू क्लासिक, तो वहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना कि भाई साहब आपके ग्रीन रूम में बैक स्टेज में आपको क्या ट्रीटमेंट मिलता है, कैसे आपके साथ व्यवहार होता है, कैसे लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। दूसरा, अरेंजमेंट देखना। खाने की एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, एक चीज़ नहीं मिलेगी, बट VIP रूम में जाओगे जहाँ गोरे रुके हुए हैं वहाँ पे सब हो, चाय कॉफी बुफे एवरीथिंग इज ऑन द हाउस, बिकॉज शो तो उनका है ना। आप तो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया हो, आप तो सिर्फ पैसे दोगे और आपके साथ जो होगा वो होगा ही, लेकिन शो तो गोरू के लिए, लोग गोरू के लिए आ रहे हैं, सेल्फी खिंचाने आपके लिए थोड़ा ना आ रहे हैं। आप तो सिर्फ पैसे दो, रजिस्ट्रेशन दो, टैनिंग दो और शो में पार्टिसिपेट करो, और सपना देखो IFBB प्रो का। जब IFBB प्रो बन भी जाओगे तो IFBB स्लेव बन जाएगा, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना। द शो इज ओनली एज गुड एज योर एथलीट, अगर एथलीट नहीं है तो शो भी नहीं है। सो थोड़ा दिमाग से सोचो कि जिस शो के लिए खेल रहे हो वो आपको क्या दे रहा है। चैंपियनशिप की फीस के बारे में जब मैंने कॉल करके उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि 5,000 रुपीज़ लगेंगे NCP क्लासिक खेलने के मतलब, ठीक है। और मैंने कहा उसके अलावा 10 आपको जो प्रोटेन है वो वहीं देंगे या हमें लाना होगा या किस तरह से होगा, तो उन्होंने कहा था वो उसी में इंक्लूड है। जब मैं कल चैंपियनशिप खिलाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को लेके गया, अपने एथलीट को लेके गया, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि NCP क्लासिक का रजिस्ट्रेशन है 4,200 का और 5,000 रुपीज़ अलग से चैंपियनशिप खेलने के नाम है। तो यानी कि जो हम 5,000 सोच के गए थे वो मैं 9,200 का पड़ा, साथ में 2,500 रुपये उन्होंने प्रो 10 के अलग से लिए। ताकि एक और एथलीट थे वो कह रहे थे कि हमसे तो उन्होंने 2,500 रुपये बोला था कि 2,500 रुपये अलग से लगे, वो उसके चैंपियन 5,000 रुपये फीस और 2,500 रुपये अलग से, ऐसा कुछ था। तो यानी कि किसी से कुछ। अब आती है प्रो 10 पर। जो प्रो हमने बॉडी वेट दिया तो हमारा बॉडी वेट आया था 81 kg 700 ग्राम। अब
मुझे अपने एथलीट्स खिलाना था कि 70-80 केजी कैटेगरी में खिलाऊं मैं अपने एथलीट्स को, तो मैंने कहा कोई नहीं अपने एथलीट्स को, मैंने बोला अभी कराते हैं थोड़ी देर में, एक डेढ़ घंटे में हम कम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है सर 80 में कर दिया। पर अगर मेरा किया उन्होंने, और मैंने कहा चल ठीक है, मेरे से कहते तो मैं कर भी देता, पर ये एक लैक है, हम खेलने गए आपने हमारा क्यों किया 80 केजी में, जब हमारा वेट था 81.700 ग्राम, आपने क्यों चला दिया? मेरे को वो जानते नहीं थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है सर कर देते 80 में, कोई बात नहीं मत परेशान हो। तो ये खेल का डेकोरम नहीं है। ऐसे ही आपने औरों का भी किया होगा, किसी को 85 वाले को भी 80 में डाल दिया होगा, तो ये चीट हो रही है ना एथलीट्स के साथ।